हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से आज हम ब्लॉग करते हैं जी शुरू से। गाइस यार, मेरे को पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। तो यार आज है भाई चांद रात और मैं अभी बैठा हुआ हूँ यार अल-फलाह मस्जिद के अंदर, जहाँ हम लोग सुबह ईद की नमाज अदा करेंगे 7 बजे तक। सो आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं शुरू। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। चांद रात मुबारक, और जब तक ये ब्लॉग डलता ईद हो जाएगी। सो ईद भी मुबारक यार। तो यार तुम लोग यार पहले से ही मस्जिद देख लो, क्योंकि सुबह इतना रश होगा ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि यहाँ से शुरू होगा और अल्लाह आपका भला करे बाहर आके यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पे भी यार अच्छी खासी स्पेस है, 3 सफ़े यहाँ पे भी आराम पहुँच जाएंगे, 4थी 5वीं। तो यार यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ तक तो मैक्सिमम, जहाँ तक दरियाँ बिछी हुई हैं यहाँ तक तो मैक्सिमम तकरीबन तकरीबन यार वो सफ़े भर जाती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह 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 जो ईद की नमाज़ होगी वो होगी इंशाल्लाह सुबह 7 बजे तक। तो यार अभी टाइम तुम लोग देख सकते हो, इतनी बड़ी सामने इन लोगों ने घड़ी भी लगाई हुई है, टाइम नोटिस कर लो तुम लोग, 10:29 हो रहे हैं, यानी कि 10:30 हो रहे हैं, तुम लोग ये समझ लो। सो यार अभी हमने अपनी सैंडल्स भी लेने जाना है। तो अभी हमने एक और चीज़ भी लेनी है, तो और वो है यार आपके भाई की गन, असली नहीं भाई, छरे वाली यार। सो भाई बंदों को ना, लड़कों को ना सिर्फ गन चाहिए, छोटों को ख्वाहिश होती है यार छोटी पे गन लें छरे वाली। तो मेरी भी एक यही हर साल ख्वाहिश होती है, और हर साल माशाल्लाह माशाल्लाह मैं लेता हूँ, तो इंशाल्लाह इस साल भी लूँगा आज। सो अभी यार यहाँ से फटाफट से काम निपटाते हैं, मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही टहलने आया हूँ। बाकी यहाँ पे जो जो इतकाफ से बैठे हुए थे, जो बर्तन सारे वाले समेटने हैं वो करते हैं, मैं नहीं, समझ जाओ ना यार अब तुम लोग। सो अब भाई देखते हैं कब तक फारिग हो और कब अपने सैंडल्स लेने चलें। भाई हर साल की तरह मेरे को तो लगता है कि इस साल भी हम लोग चांद रात को नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे। सो देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो।